मैं रहना चाहूं थोड़ा बहुत। मैंने आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट शर्जिया से भी कहा था कि आपको कॉल ना करें। हमें एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुकून के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए दिखाई देंगे। आयमा बहुत परेशान होती है उस्मान के रवैयों को लेकर। आयमा अपनी पप्पो से कहती है, आप अच्छे से जानती हैं उस्मान का मेरे साथ क्या रवैया, उसके बावजूद भी आप मुझे उस्मान के साथ क्यों भेजना चाहती हैं। बाप में पप्पो कहती हैं, बेटा मैं चाहती हूँ उस्मान तुम्हारा फरमाबरदार हस्बैंड बनकर रहे और तुम्हें सताना छोड़ दे। अगर तुम और मैं मिलकर कोशिश करेंगे तो इसका नतीजा बहुत जल्द हमें दिख जाएगा। उस्मान दिल का बुरा नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको वो भुलाना नहीं चाह रहा। इस वजह से उसका रवैया तुम्हारे साथ ऐसा है, जैसे मेरे भाई को उनकी बेटियां बहुत अजीज हैं, इसी तरह मुझे मेरा भाई बहुत अजीज है। इसलिए मैं ये रिश्ता बचाना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी कभी भी उस्मान से शादी ना करवाती। सिर्फ अपने भाई की सेहत को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया। जवाब में आयमा कहती है, पप्पो मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं, आप ही के सहारे मैं इस घर में रह रही हूँ, आप मायूस ना हो, मैं आपको पूरा अपना वजूद तब्दील करते हुए दिखाई दूंगी। मुझे पूरा यकीन है एक दिन उस्मान भी तुम्हें चाहने लगेगा और तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी।